नमस्कार मित्रों, तो मौजूद हुए हैं आपके समक्ष हिमाचल प्रदेश की दिन भर की ताजा खबरों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए नॉनस्टॉप ताजा खबरों के इस सिलसिले को। 1 से 15 अगस्त तक चलेगी किन्नर कैलाश यात्रा, एक दिन में 75 यात्रियों को ही मिलेगी अनुमति। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में स्थित भगवान भोलेनाथ के पवित्र स्थल किन्नर कैलाश की यात्रा इस वर्ष 1 से 15 अगस्त तक चलेगी। SDM कल्पा एवं जिला पर्यटन अधिकारी डॉक्टर शशांक गुप्ता ने बताया कि यात्रा की ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो चुकी है। एक दिन में केवल 75 लोगों को ही यात्रा करने की अनुमति मिलेगी। 6 दिन में मिल जाएंगे कीर्तपुर नेरचौक फोरलेन की टनल नंबर 5 के दोनों छोर। कीर्तपुर नेरचौक फोरलेन की टनल नंबर 5 के दोनों छोर 6 दिन में मिल जाएंगे। कार्य प्रगति पर है और इस टनल का 8 मीटर कार्य ही शेष बचा है। टनल की लंबाई 740 मीटर है। उधर परियोजना की दूसरी सबसे बड़ी और कठिन टिहरा टनल का कार्य भी युद्ध स्तर पर जारी है। इस टनल का भी करीब 70 मीटर कार्य शेष बचा है। जुलाई माह के अंत तक फोरलेन परियोजना की टनलों का कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। हिमाचल पुलिस का सब इंस्पेक्टर थाने में 50,000 की रिश्वत लेते धरा। हिमाचल प्रदेश पुलिस का एक सब इंस्पेक्टर SI 50,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया है। आरोपी सब इंस्पेक्टर सदर थाना शिमला में तैनात है और एक क्रिमिनल केस के इन्वेस्टिगेशन अधिकारी के तौर पर इसने इस रिश्वत की मांग की थी। वहीं यह कार्रवाई को स्टेट विजिलेंस एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने अंजाम दिया है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि विजिलेंस की टीम ने थाना में घुसकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। यह मामला दोपहर 2 से 2:30 बजे के बीच का बताया जा रहा है। हिमाचल हाईकोर्ट CBI शपथ पत्र दायर कर बताएं जांच पूरी करने में कितना लगेगा समय। हाईकोर्ट ने हिमाचल प्रदेश के बहुचर्चित 250 करोड़ के छात्रवृत्ति घोटाले की धीमी CBI जांच पर एक बार फिर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने आदेश दिए कि CBI शपथ पत्र दायर कर बताएं कि जांच पूरी करने में कितना समय लगेगा। वहीं इससे पहले भी हाईकोर्ट ने अप्रैल में मामले की धीमी जांच पर नाराजगी जताई थी। कोर्ट ने CBI को जांच में तेजी लाकर इसे पूरा करने और सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय के समक्ष आरोप पत्र दाखिल करने के आदेश जारी किए थे। दूसरी ओर CBI ने इस मामले में आज 8वीं स्टेटस रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश की। मुख्य न्यायाधीश AA शहीद और न्यायमूर्ति ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने याची श्यामलाल की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि 3 साल से चल रही जांच अभी तक भी पूरी नहीं हुई है। मनाली के भजोगी नाला में आई बाढ़, वोल्वो बस स्टैंड वो घरों में घुसा पानी। हिमाचल में बारिश का कहर थम नहीं रहा है। पर्यटन नगरी मनाली के भजोगी नाले में बाढ़ आ गई। आज सुबह एकदम भजोगी नाले का जलस्तर बढ़ गया और साथ लगते वार्डों में पानी आ गया, जिसके बाद कई घरों में नाले का पानी चला गया। बाढ़ की वजह से वोल्वो बस स्टैंड भी पानी से भर गया। यहां पर HRTC की बसों में भी पानी भर गया। बारिश वो बाढ़ के चलते मनाली घूमने आए पर्यटक भी यहां फंसे रहे। साथ ही चंडीगढ़ मनाली हाईवे पर भी सारा मलबा आ गया। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग ने जारी किया 50 श्रेणियों में 1,508 पदों की लिखित परीक्षा का शेड्यूल। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर ने 50 श्रेणियों में 1,508 पदों को भरने के लिए लिखित परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है। यह परीक्षाएं 21 अगस्त 2022 से 25 दिसंबर 2022 तक आयोजित होंगी। दूसरी ओर आयोग के सचिव डॉक्टर जितेंद्र कंवर ने बताया कि अभ्यर्थियों को रोल नंबर आयोग की वेबसाइट से फ्री डाउनलोड करने होंगे। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की सुविधा परीक्षा की तिथि से 15 दिन पहले उपलब्ध करवाई जाएगी। राज्य मार्गों में सिर्फ 1.36% में ही क्रैश बैरियर 5 साल में 2,633 ने गवाई जा।
हिमाचल प्रदेश के राज्य मार्गों में सिर्फ 1.36% में ही क्रैश बैरियर लगे हैं। प्रदेश में इन सड़कों की लंबाई 3,805 किलोमीटर है, महज 520 किलोमीटर सड़कों पर ही क्रैश बैरियर हैं। 5 साल के भीतर हादसों में हिमाचल में 2,633 लोगों ने जान गंवाई है, जबकि 6,792 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। पुलिस विभाग ने इसका खुलासा किया है। दूसरी ओर जिला शिमला में सबसे ज़्यादा 869 लोगों ने हादसों में दम तोड़ा है। संबोधन से पहले मंच से उतरकर मरीज से मिलने पहुंच गए मुख्यमंत्री। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के भोरंज विधानसभा क्षेत्र के कंजयाण में आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर संबोधन से पहले मंच से उतरकर पैरालिसिस के मरीज प्रीतम चंद और उनके परिवार से मिलने मैदान में पहुंच गए। प्रीतम चंद की पत्नी लीला देवी ने मुख्यमंत्री को अपनी समस्या बताई और फूट फूट कर रो पड़ी। वहीं सीएम ने मौके पर ही पीड़ित परिवार को 1,00,000 की मदद देने की बात कही और अधिकारियों को बीमार प्रीतम चंद को अस्पताल पहुंचाने के लिए तुरंत एम्बुलेंस लाने के भी निर्देश दिए। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि तत्काल 1,00,000 रुपये की आर्थिक सहायता राशि आज ही उसके बैंक खाते में हस्तांतरित कर दी जाएगी। उन्होंने लीला देवी को उनकी बेटी की शिक्षा के लिए भी राज्य सरकार की ओर से हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया। लीला देवी हमीरपुर जिले के नाहलवी गांव में पिछले 16 साल से लकवे से पीड़ित अपने पति को जनसभा में लेकर आई थी। हिमाचल के स्कूलों में फर्स्ट एड सुविधा और रेस्ट रूम मुहैया करवाने के निर्देश। हिमाचल प्रदेश के सभी निजी और सरकारी स्कूलों में फर्स्ट एड सुविधा और रेस्ट रूम मुहैया करवाने के निर्देश जारी किए गए हैं। राजधानी शिमला के एक अभिभावक की शिकायत पर उच्च शिक्षा निदेशालय ने इस बाबत आज सभी जिला उपनिदेशकों को पत्र जारी कर दिया है। वहीं शहर के एक अभिभावक ने राज्यपाल और मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर स्कूलों में बीमार या चोटिल होने वाले बच्चों को उचित फर्स्ट एड सुविधा नहीं मिलने का मामला उठाया था। HRTC परिचालक भी बैठ गए 10 दिन के कार्मिक अनशन पर। हिमाचल पथ परिवहन निगम के परिचालकों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। परिचालक क्लर्क के समान वेतनमान की सरकार से मांग कर रहे हैं। राज्य HRTC परिचालक यूनियन के बैनर तले आज से 22 जुलाई तक परिचालक कार्मिक अनशन पर बैठ गए हैं। अगर फिर भी सरकार ने मांगे नहीं मानी तो आंदोलन को तेज करने की परिचालकों ने सरकार को चेतावनी दी है। दूसरी ओर बात करें तो राज्य HRTC यूनियन के प्रांतीय अध्यक्ष कृष्ण चंद ने कहा कि 2006 तक परिचालकों को क्लर्क के समान वेतनमान दिया जाता था, लेकिन अब परिचालकों को इससे बाहर कर दिया गया है, जिससे प्रदेश के 4,500 परिचालकों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसलिए सरकार परिचालकों को क्लर्क के समान वेतनमान देने का निर्णय ले, अन्यथा परिचालक यूनियन अपने आंदोलन को और उग्र करेगी। तो ये है आज दिन भर के मुख्य समाचार। तो ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।